नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। आपने महाभारत के किस्से कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत से हमें शिक्षा क्या मिलती है, महाभारत से हम क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन को एक उत्तम जीवन बना सकते हैं। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना भी जरूरी है। तो आइए आज हम जानते हैं ऐसे ही 25 शिक्षाएं जो हमें महाभारत, युगंधर और मृत्युंजय पढ़ने पर मिलती है। हालांकि ये भी सच है कि आप महाभारत पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग शिक्षा या सबक मिले, क्योंकि महाभारत अनंत संभावनाओं की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको जितनी बार भी पढ़ेंगे कुछ न कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं महाभारत से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। नंबर एक, जीवन हो योजनाओं से भरा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति अपने जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई न कोई मास्टर प्लान या तरकीब या रणनीति हमेशा थे, इसलिए पांडवों की इस युद्ध में विजय हुई। नंबर दो, संगत और पंगत। कहते कि जैसे संगत वैसी पंगत और जैसी संगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है तो आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे जो पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी थे। दुर्योधन ने शकुनी मामा जैसी अपनी संगत पाल रखी थी तो उसका दिमाग चलना बंद समझिए, और यही दुर्योधन के साथ हुआ। नंबर तीन, अधूरा ज्ञान घातक। कहते कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल करनी ही चाहिए। नंबर चार, दोस्तों और दुश्मन को पहचानना सीखिए। महाभारत में भी ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो इन वक्त पर पाला बदलकर कौरव या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु उसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरव का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। नंबर पांच, हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते, जैसे द्रौपदी। यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहते तो महाभारत शायद नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ ये सभी जानते हैं। सबक यह है, कुछ भी बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा। नंबर छह, जुए सट्टे से दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ये बात सभी जानते हैं, फिर क्या हुआ। अंततः जुए सट्टे षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकार में बना देती हैं। नंबर सात, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में से वीर योद्धा नहीं थे जैसे कौरवों की सेना में थे। कहते हैं कि जिसकी विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़े, भले ही कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, और अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करना चाहिए। नंबर आठ, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं, लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है और कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं, आत्मा अजर है और अमर है।
इसलिए मरने या मारने से डरना क्या। नंबर 9, खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव है, उससे ये शिक्षा मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में आपका अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव भी उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य को तो हासिल कर लिया, लेकिन वो फिर भी महान नहीं बन सके क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया, स्वयं को बदलने की भावना से नहीं। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। नंबर 10, शिक्षा का सदुपयोग जरूरी। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपना अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्ति का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज से बदला लेने का। नंबर 11, अच्छे दोस्त की कदर करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत हो सकती थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था जिससे अर्जुन को जीता जा सकता था। नंबर 12, भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वह सही गलत का फर्क नहीं कर पाता। ऐसा हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। वह एक राजा न होकर सिर्फ एक पुत्र मोही पिता बनकर रह गए। नंबर 13, शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकते। नंबर 14, कर्मवान बनो। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करने चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी हों। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता यही संदेश देती है कि हर पल ऐसा कार्य करते रहो जो जीवन और आने वाले जीवन को सुंदर बनाए। नंबर 15, अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान होता है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वन वन भटकी। समय के खेल निराले हैं। जिस अंबा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हुआ, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला तक लिया। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनते हुए देर नहीं लगती। नंबर 16, कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान को जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीति पूर्वक लेने हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो तेरा है कल किसी और का था और कल यानी आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। अतः तू संपत्ति और वस्तुओं का आसक्ति में मत पड़, ये तेरी मृत्यु के बाद यहीं रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपना तो अर्जित करो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नंबर 17, ज्ञान का हो सही क्रियान्वयन। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म का विनाश कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी आवश्यक हैं। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो हैं तो बड़े ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू हैं।
या किसी जंगल में धुनी रमा कर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न तो परिवार का हित हो रहा है और न ही समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं अपने मुंह मिट्ठू मियां। खुद लिखें और खुद ही बाचें। नंबर 18, दंड का डर जरूरी। न्याय व्यवस्था वही कायम कर सकता है जो दंड को सही रूप से लागू करने की क्षमता रखता हो। ये चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों में इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधरने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म ने उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही, दंड न देना सबसे बड़ा अपराध है। नंबर 19, न्याय की रक्षा जरूरी। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं, जो न्याय पाने के लिए प्राणपन से उत्सुक हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यही प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के हाथ में ही है। नंबर 20, छिपे हुए को जानने का ज्ञान जरूरी। यह जगत का व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात जो लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही रहस्यमयी है। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। नंबर 21, सफर करने में होती है बरकत। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने से लाभ ही मिलता है। पांडव को हस्तिनापुर छोड़कर दो बार जंगल में जाना पड़ा और अंत में जो उनको खांडव परस मिला वो वहां चले गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा को छोड़कर जाना पड़ा और अंत में वे द्वारका में बस गए। कई बार लोगों को व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाना हो या देश में जाना हो तो उन्हें जाना चाहिए। नंबर 22, गोपनीयता और संयम जरूरी। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने ही आया था। इसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बर्बरी कैसे उदाहरण है जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। नंबर 23, चिंता, भय और अशांति है मृत्यु का द्वार। किसी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा और कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह, जेलखाना, दवाखाना या पागलखाना वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्म सम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया। बहुत महत्वाकांक्षी है या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है, चिंता मुक्त जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 24, इंद्रिय संयम जरूरी। इंद्रिया कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार के आदत नशे गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे शरण होता जाता है। इंद्रिय संयम आता है संकल्प से। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों को वश में करने से ही संभव हो पाता है। नंबर 25, राजा योद्धा को नहीं करना चाहिए परिणाम की चिंता। कहते हैं कि जो युद्ध या राज युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक निर्णय नहीं ले पाता और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आप अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लेते। आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने महाभारत से क्या सीखा है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।